आपके बारे में आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो आपके बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, जो गारंटेड है यहाँ से बाहर निकलते आप सब भूल भाल जाओगे। सुन लो, जाता क्या है, आपकी तारीफ ही होगी, बुराई तो हो ही नहीं सकती। आप इस पूरी की पूरी क्रिएशन का सोर्स हो। आप चिंदी सी बॉडी नहीं हो, खुद को समझ रहे हो। जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो इंसान की हो, जानवर की हो, या पेड़ पौधों की हो, इस प्लैनेट पे हो या कहीं पर भी हो, उन सबका जो सोर्स है, उन सबका जो मटीरियल है, वो आप। और वो मटीरियल ना पैदा होता है ना मरता है। तो आप ना पैदा होते हो ना मरते हो। आपको मारने का कोई तरीका नहीं है। आपकी बात हो रही है, किसी और की नहीं हो रही है, आपके साथ वाले की नहीं हो रही है, आपकी बात हो रही है। आपको खुशी बनना नहीं है, मतलब आपको खुशी को ढूंढना नहीं है इस दुनिया में। यू आर हैप्पीनेस। दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है। फिर भी हम दुखी होते हैं, क्यों होते हैं, गलत समझ है जी। आपको किसी से प्यार करना नहीं है, आप प्यार हो। वॉट इज लव? कुछ है ना जिसकी वजह से सब कुछ जुड़ा पड़ा है, वो प्यार है। वो प्यार आपसे अलग नहीं है, वो ही आप। जिसको हम प्यार समझते हैं, जिसको हम प्यार बोलते हैं, वहां पे अलग होने का डर हमेशा बना रहता है। तो अगर प्यार की गहराई को आपने एक्सपीरियंस कर लिया, देयर इज नो फियर ऑफ सेपरेशन देयर। खुद को समझ लिया तो अब आप सबके साथ में एक हो गए। ये बॉडी कैसी हो गई फिर आपके लिए? इंस्ट्रूमेंट के जैसी हो गई, खेलते रहो। यू विल टेक केयर ऑफ इट इन एवरी पॉसिबल मैनर, बट ये बिल्कुल क्लियर आपको पता होगा कि दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू सी, एन इंस्ट्रूमेंट टू हियर, एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सपीरियंस। बट आई एम द एक्सपीरियंसर हु इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, नॉट जस्ट थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, थ्रू ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। जो गलतफहमी है ना, जो आप लोगों के दिमाग में प्लांट कर दी गई है बचपन से ही, वो क्या है कि जैसे हर जूते में अलग अलग सोल्स होते हैं, ऐसी हर बॉडी में अलग अलग सोल्स होते हैं। ये तेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा है, ये उसकी आत्मा है, वो आत्मा यहां से निकलती है, फिर वहां जाती है, फिर वो दिखती है, वो नहीं दिखती है, वो भूत प्रेत बन जाती है, वो ये होता है, सब बकवास है। सच क्या है कि देयर इज नो डिविजन ऑफ एनी काइंड। जैसे यहां पर जो स्पेस दिख रही है आपके और मेरे बीच में, ऐसे ही मेरी बॉडी के अंदर भी स्पेस है ना। जब मुंह खोलते हो तो अंदर स्पेस नजर आती है ना, तो क्या वो जो बॉडी के अंदर स्पेस है और जो बाहर स्पेस है, वो दो है या एक ही है? स्पेस में एक्चुअल में कोई डिवीजन है? अरे नहीं है जी। हम स्पेस को, जो भी डिवीजन है वो सब इमेजिनरी है। जैसे बोलते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहां है ईस्ट, कहां है नॉर्थ, कहां है साउथ? एक्चुअल में कहीं भी नहीं है, दिखाओ कहां है, सिर्फ इमेजिन किया हुआ है। जो स्टार्स हैं या जो भी ये प्लैनेट है, आप इसके नहीं बने हो, ये सब आपका बना है। जैसे एक माँ होती है ना, उसके लिए बच्चे का मतलब क्या है कि वो बच्चा मुझ में से निकला है, तो उसे प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार होता है। वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूं, मेरा ही पार्ट है। इसी तरह से पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये आप में से निकला है, आपका ही बना हुआ है। तो जब ऐसी आपकी नजर हो जाती है, तो इस नजर को प्यार बोलते हैं। ये मुझ में से ही निकला है सब कुछ, यानी ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आप में से निकला है। अगर ये गहराई से समझ आ जाए, तो अब आप किससे नफरत करोगे? अब इस दुनिया की जो कमियां हैं, वो भी आपको अच्छी लगने लग जाएगी, उस पर भी हंसी आने लग जाएगी, उस पर भी प्यार आएगा। जैसे एक माँ को अपने निकम्मे बच्चे के ऊपर आता है, वो बच्चा अगर किसी की गोद में पॉटी भी करते तो माँ खुश होती है, दो दिन से नहीं करी थी अब कर दी। वो बंदा दुखी हो रहा है, क्या गंद मचा दिया है, कि माँ खुश हो रही है, तो माँ उस बच्चे की गंदगी में भी खुश हो रही है। तो अगर ऐसी आपकी नजर हो जाए, तो अब आपको किसी से भी, जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिन भी लोगों से आप जुड़े हुए हो, उनसे प्यार करना नहीं पड़ेगा, सबसे प्यार हो जाएगा। और जो प्यार करता है, उसकी लड़ाई झगड़े होते हैं। जिनको प्यार होता है, वहां पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, होने की गुंजाइश ही नहीं है। एक है तरीका, जिस तरह से सब जी रहे हैं उसी तरीके से जीने का, तो क्या होगा? डर में जियोगे, लड़ मर के जियोगे, अकेलेपन में जियोगे, अकेलेपन में मरोगे, रोते ही रहोगे, बार बार से हंसोगे थोड़ा बहुत देर के लिए, कभी कभी तुक्के में, अंदर से रोते रहोगे,
और खुद को बारीकी से समझ लिया तो क्या होगा, बाहर से चाहे रोते रहोगे लेकिन अंदर से हंसते रहोगे, बड़ा फर्क है। यानी अगर आप खुद को अच्छे से समझ गए हो, उसके बाद में आपकी वाइफ आई आपको आकर के कुछ चीख चिल्ला करके बोला, बाहर से रोने लगे, उसकी क्या बोल दिया तुमने, तुम्हें पता है मेरा दिल कितना दुखता है। अंदर से हंस रहे हो, ठीक है जी, अरे नहीं 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 मैंने ही कोई गलती कर दी होगी, कोई कोई नहीं, हो जाती है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो दुखी होने की कोई वजह ही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर वो वाइफ आपकी आपसे अलग है तो आप उससे लड़ो, आप ही हो तो, जैसे आपके मुंह में जो दांत है वो आपसे अलग है या आप ही हो। अगर अभी मैं आऊँ आपके दांत तोड़ने के लिए तो दांत के पास में एक जीभ जैसी चीज नजर आएगी। जीभ है आप लोगों के मुंह में? कोई ऐसा भी नकली बैठा है यहाँ पे, जीभ नहीं है जिसके मुंह में? हाँ, तो अगर आपके दांतों के बीच में अपनी जीभ आ जाए तो क्या करोगे, तोड़ दोगे अपने दांतों को? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, जीभ को काटा, वो जीभ जिससे मैं पता नहीं क्या क्या चखता रहता हूँ, चखती रहती हूँ, वो जीभ जो मुझे इतना मजा देती है, उस जीभ को काट दिया तूने। तोड़ोगे अपने दांतों को लेकर गया तोड़ा? नहीं, क्यों? दांतों ने गलती करी, पनिश करो उनको, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दांत भी आप हो, जीभ भी आप हो। ये है खुद को समझने का मतलब। जब सब कुछ ही आप हो तो किसका क्या करोगे? किससे लड़ोगे? लड़ने के लिए दो होने तो चाहिए, मैं और तू होना तो चाहिए ना लड़ने के लिए। अगर सामने जो आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, वो भी आप ही हो, बिल्कुल ऐसा है जैसे शीशे में अपने आप को देख रहे हो, अपनी परछाई से कैसे लड़ोगे? लड़ते हो क्या कभी शीशे में अपने आप को देख करके, तूने मुझे उंगली कैसे दिखाई? करते हो ऐसी हरकतें? जानवर करते हैं। कभी जानवरों को ऑब्जर्व करना, शीशे में खुद की ही परछाई देखते हैं। जैसे कोई चिड़िया है, उसने खुद की ही परछाई को देखा और डर गई, उसको लग रहा है कि अंदर कोई है, शीशे के अंदर कोई और है, उसको चोंच मारनी शुरू कर दी, उधर से अंदर शीशे के अंदर से वो उसको चोंच मार रही है, कौन है उसी की परछाई है, खून आ गया है, लगी हुई है, चोंच मारे जा रही, मारे जा रही, मारे जा रही है। यही तो हो रहा है हम लोगों की लाइफ में, हो क्या रहा है, सुबह से रात एक दूसरे को चोंच मारते रहते हैं। सो इस बात को जब आप गहराई से समझ जाओगे कि पूरी जो दुनिया है, ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये मेरी ही परछाई है, क्या लड़ोगे इससे, क्या करोगे, फिर क्या रह जाएगा? खेलो कूदो मस्त रहो, उसके बाद में दिस वर्ल्ड विल बी लाइक अ प्ले ग्राउंड फॉर यू। जो लोगों के लिए बड़ी एक सीरियस सी लड़ाई हो रही है, आपके जो पेरेंट्स थे उनके साथ में खेल रहे हो आप सांप सीढ़ी, याद करो। तो अगर आपके पेरेंट्स को सांप ने काटा उस सांप सीढ़ी में, तो वो खुश होते थे कि बच्चे को जिता रहे हैं, और बच्चे को काट लिया तो बच्चा रोने लग जाता, मैं नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि उस बच्चे के लिए इस सांप सीढ़ी की गेम है, वो एक सीरियस गेम है, हार जीत उसके लिए बहुत बड़ा इशू है। पेरेंट्स के लिए हार जीत में कोई फर्क ही नहीं है, पेरेंट्स तो हार के भी खुश हैं, जा तू जीत ले, समझे? ऐसी हो जाती है दुनिया। उसके बाद में आप कहीं भी बैठे होते हो तो आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, कोई मेडिटेशन नहीं करनी पड़ती है इस मूवमेंट में रहने के लिए, कुछ नहीं करना पड़ता, आप इसी मूवमेंट में होते हो। फिर चाहे आप अपने घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे अकेले में बैठे हो, यू आर ऑलवेज देयर इन दिस मोमेंट। खुद को समझने का मतलब है आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये जो पास्ट है और फ्यूचर है ये सिर्फ इल्यूजन्स है। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज जस्ट एन इल्यूजन, ये सब सिर्फ हमारी ब्रेन की पैदाइश है। रियलिटी वो है जो नहीं बदलती है। तो उस रियलिटी में जैसे जैसे आप गढ़ते चले जाते हो और आपको समझ आ जाता है कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, कि मैं और रियलिटी, आई एम द रियलिटी, आई एम द अल्टीमेट रियलिटी, तो कमाल हो जाता है। अब कमाल करना है या नहीं करना है वो आप लोग के हाथ में।